इसका पूरी पूरी अलफन नंगी करो, इसकी बनाओ वीडियो, पेजो लेकर आ गए, पोस्टर बनवाए हम इसके, इसके कपड़े उतारो और इसका वीडियो निकालो। वीडियो में ये लाइन बोलने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वुमेन्स हॉस्टल की वार्डन है, एंड जिसको ये लाइन बोला जा रहा है वो लड़की बेसिकली वुमेन्स बाथरूम में 60 लड़कियों का सीक्रेट एमएमएस बना के लीक करने के लिए एक्यूज्ड है। अब ऑफ कोर्स ये एमएमएस वायरल होते ही पूरे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड इनफैक्ट अब तो पूरे इंडिया में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। But the university is trying to curb the issue. तब जो हम क्राउड में खड़े थे आधी लड़कियां बोल रही थी, हमने खुद वो वीडियोस देखी हैं। बोलते हैं 7 बजे के बाद अंदर है तो सेफ है, अंदर एक लड़कियां सेफ हैं, तब ये हुआ है। 7 बजे के बाद ही गई है ना वो अंदर, उसके बाद ही हुआ ये सब कुछ। बताइए सच क्या था, बताइए कि वीडियो आई कि नहीं आई, बताइए कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या था। वेल हेलो फ्लोअर्स, दिस इज निकिता, एंड बेसिकली ये पूरा का पूरा किस्सा शुरू हुआ जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वुमेन्स हॉस्टल में एक लड़की ने एक दूसरे लड़की को वुमेन्स बाथरूम में चुपके से एक एमएमएस बनाते हुए पकड़ लिया। इसके बाद उसने ये बात तुरंत हॉस्टल की बाकी स्टूडेंट्स को बताई एंड उन सब ने मिलकर उस लड़की को कन्फ्रंट किया। अब कन्फ्रंट करने के बाद और काफी फोर्स करने के बाद उसने फाइनली ये बोला कि शी वॉज फोर्स टू मेक दिस वीडियो, एंड जिस लड़की ने उसको फोर्स किया उस लड़की ने बस उसका फोटो दिखाया। अब यहाँ तक उस लड़की ने उसका नाम, वो लड़का उससे कैसे रिलेटेड है, उसको फोर्स क्यों कर रहा है, ये सारी डिटेल्स बिल्कुल भी रिवील नहीं किए। इसके बाद वो लड़की ने ये भी बोला कि मैंने मेरा शूट किया वो वीडियो डिलीट कर दिया है, सो किसी को भी आगे उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। ऑल्सो ये इंसिडेंट अब तक किस डेट पे हुआ एग्जैक्टली उसका अब तक कोई पक्का प्रूफ नहीं है। बट कट टू 17 September 2022, कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स में पता नहीं कैसे बट ये वीडियो लीक हो गया, क्योंकि उसी दिन वहां पे मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब टाइमलाइन के हिसाब से तो प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद 18 सितंबर को ये वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उसी हॉस्टल की वार्डन उस अक्यूज्ड लड़की को बहुत ज्यादा डांट रही है, किसने बोला तेरे को बनाने के लिए, एंड फाइनली वार्डन के सामने लड़की एक्सेप्ट कर रही है कि उसने वो वीडियो शिमला के एक लड़के सनी मेहता को डिलीट करने के पहले फॉरवर्ड कर दिया था। एंड दिस टुक द इंटरनेट बाय अ स्टॉर्म। बट इंटरेस्टिंगली एंड क्वाइट कंफ्यूजिंगली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया कि उनके हिसाब से जो वीडियो लीक हुआ था उसमें गर्ल्स बाथरूम में 60 लड़कियों का कोई एमएमएस नहीं बना था। लीक्ड वीडियो में एमएमएस तो बस एक ही लड़की का था जो कि अक्यूज्ड है। मैं इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। ऑल्सो फिलहाल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस केस में दो लड़के इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज सनी मेहता, जिसे पुलिस ने 18 की रात को ही अरेस्ट कर लिया, एंड सेकेंड इज पंकज वर्मा, जिसे फिलहाल पुलिस ने सिर्फ डिटेन किया है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो जिस लड़के की फोटो अक्यूज लड़की ने कन्फ्रंटेशन करने के बाद दिखाई थी वो फोटो पंकज वर्मा की लग रही है। सुना, पुलिस के हाथ में तीन लोग हैं, एक्यूज लड़की, सनी मेहता और उसका दोस्त पंकज वर्मा, बट स्टिल देयर इज नो वर्डिक्ट ऑन हु इज द एक्चुअल कल्प्रिट। लेकिन यार एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, हम सब लोग प्रोस्टिट्यूशन रैकेट, सेक्स रैकेट, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बट काफी कम लोग एमएमएस रैकेट के बारे में जानते हैं, एंड माइंड यू ये इंडिया में एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री है। लेकिन अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि इसमें इनका मोटिवेशन क्या होता है, मतलब व्हाट इज देयर बिजनेस मॉडल बेसिकली। वेल ऑफ कोर्स इन केसेस में द मोस्ट कॉमन मोटिवेशन इज मनी। 2016 में एक केस में 3 शॉपकीपर्स को रेड हैंडेड पकड़ा गया ऑब्सीन वीडियोस को अपने शॉप पे सेल करते हुए। तीनों भी शॉप से कुछ सेल फोन्स, लैपटॉप्स, कार रीडर्स, हार्ड ड्राइव्स वगैरह बरामद हुए, जिन सब में ऑब्सीन फुटेजेस स्टोर थे, एंड जिन्हें बेसिकली कस्टमर्स के हार्ड ड्राइव्स में ट्रांसफर करके उसके बदले में पैसे मांगे जाते थे। इसे हम कह सकते हैं ओवर द काउंटर ओटीसी सेलिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक वीडियोस। एंड इनफैक्ट ये भी कोई इंडिविजुअल केस नहीं है, ये एंड ऐसे बहुत सारे केसेस है। इनफैक्ट एक तो मुंबई के बोरीवली का ही है, जिसमें एक अंडरकवर ऑपरेशन में पुलिस ने 39 शॉपकीपर्स को ऑब्सीन वीडियोस बेचते हुए रेड हैंडेड अरेस्ट किया। सो इट इज नॉट दैट अनकॉमन इन इंडिया। अब ज्यादा डेटा नहीं है इस बात पे कि ये सारे वीडियोस कंसेंशुअल पोर्नोग्राफिक वीडियोस होते हैं या फिर नॉन कंसेंशुअल एमएमएस होते हैं, बट हाँ ये बात पक्की है कि कुछ ऐसे साइट्स, वेबसाइट्स भी है जहां पर लोग अपने खुद के प्राइवेट वीडियोस अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। इनफैक्ट आई एम सेइंग इट अगेन, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर इंडस्ट्री।
सो चलो पहले शुरू करते हैं द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर वगैरह से। यू विल बी क्वाइट शॉक टू नो, लेकिन अभी रिसेंटली 19 सितंबर को ही मुंबई में ही एक केस है जिसमें एक मुंबई बेस्ड टीचर और दो और लोगों को पुलिस कस्टडी में डाल दिया गया था क्योंकि वो लोग एडल्ट पब्लिक प्रैंक्स करके उनके वीडियोस बना के फिर उन वीडियोस को वेरी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब और फेसबुक में डाल के वहां से पैसे कमाते थे। एंड बस सोचो कितने पैसे, 2 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ लॉकडाउन में। ये लोग बेसिकली पब्लिक एरियाज में जाके लड़कियों को एंड स्पेशली माइनर लड़कियों को इनअप्रोप्रिएटली टच करते थे या फिर उन्हें वर्बली कुछ भी बोल देते थे, अब्यूज करते थे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ शूटिंग अ प्रैंक वीडियो एंड फिर उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया साइट्स पे अपलोड करते थे। एंड माइंड यू, ये तो मैं बात कर रही हूँ ऐसे प्रॉपर फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सब इंडिया में कितना ज्यादा कॉमन है। बट इसके अलावा भी कुछ नॉट सो फेमस वेबसाइट्स है जहाँ पे लोग अपने प्राइवेट वीडियोस फिल्म करके अपलोड करके या तो फिर व्यूज पे पैसे कमाते हैं या फिर वो प्लेटफॉर्म के मेंबरशिप फी के कट के तौर पर पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेगा कैम्स एक साइट है जहाँ पर पे पर व्यू का एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहाँ पर व्यूवर्स को पर व्यू एक फी देना होता है विच इज एज लो एज $5 एंड एज हाई एज $20। ये फी दे के ही वो उस साइट के कोई भी कॉन्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर साइट मॉडल सेंट्रो जिससे बेसिकली कस्टमर्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें फिर वो अपना प्राइवेट कॉन्टेंट फीचर करके उसको सेल कर सकते हैं। प्लस इसमें एक इनबिल्ट पेमेंट प्रोसेसर भी होता है जिससे एडल्ट कॉन्टेंट सेलिंग या फिर बाइंग काफी ज्यादा ईजी हो जाता है एंड फिर बस वीडियोज जो डाले उसके पैसे आते हैं और फिर वेबसाइट पूरे ट्रांजेक्शन से 25% का कट ले लेती, बाकी सारा क्रिएटर को चला जाता है। नाउ इसके अलावा देयर इज द मोस्ट फेमस पॉर्नहब आल्सो, जहां पे एक आर्टिकल के हिसाब से हमें ये मिला है कि एवरेज आरपीएम है $0.64 पर 1000 व्यूज, जो अगर ये आर्टिकल सही है और अगर हम इसकी माने तो ये अमाउंट काफी एक मीगर अमाउंट है ऐसे कामों के लिए। मतलब जरूरी नहीं है कि हर केस में इस काम के अगेंस्ट काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट, यहाँ पे लोग सिर्फ अपने वीडियोज नहीं बल्कि दूसरों के एमएमए शूट करके भी अपलोड कर सकते हैं। And in fact, there are umpteen number of websites for this too. In fact, हाल ही में 2022 में ही Twitter जैसी कंपनी ने सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे Sumoto Action के अंडर 43,000 non-consensual video sharing accounts को टेक डाउन किया था। मैं वीडियोस की नहीं बात कर रही हूँ, मैं अकाउंट्स की बात कर रही हूँ। एंड अगेन ट्विटर तो एक जाना माना काफी फेमस प्लेटफॉर्म है, सो जस्ट इमेजिन कितने सारे वीडियोस ऐसे शेयर हो रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द इंटरनेट। एंड अगेन माइंड यू, ये सारा का सारा कंटेंट नॉन कंसेंशुअल की बात कर रहे हैं हम। इसके तहत ऑब्वियसली एमएमएस लीक करके एक्सटॉर्शन से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। इनफैक्ट इन अ वेरी शॉकिंग केस, सितंबर 2017 में ही मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने एरिया में एक नर्स के रैकेट को पकड़ा था जो बेसिकली डॉक्टर्स को चेस्ट पेन का बहाना बना के उनको अपने रूम में बुला के उनके ड्रिंक्स को ड्रग करके उनके ऑब्सीन फुटेजेस निकालते थे और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी दे के उन्हें ब्लैकमेल करते थे। अब आई नो एक्सटॉर्शन के हमने ऑलरेडी बहुत सारे केसेस देखे हैं, बट ये केस हल्का सा डिफरेंट था जहाँ पे एक पूरा रैकेट के तौर पे ये ऑपरेट कर रहा था एंड वो भी मेडिकल जैसे एक नोबल प्रोफेशन में। अब एक्सटॉर्शन बेस्ड ऑन सेक्स, ब्लैकमेलिंग, एमएमएस वगैरह को बोल सकते हैं सेक्सटॉर्शन। एंड इनफैक्ट ऐसे ही सेक्सटॉर्शन के डेली 500 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। सो इट इज अ रियली बिग प्रॉब्लम इन इंडिया बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द डिमांड। इस कॉन्टेंट का नेचुरल डिमांड ही मार्केट में बहुत ज्यादा है। एंड इनफैक्ट ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, आज की डेट में यूएस की एक रिपोर्ट कहती है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट जैसे वेबसाइट से भी ज्यादा विजिटर्स पॉर्न साइट से रिकॉर्ड हो रहे हैं। अकेले पॉर्नहब की ही साल 2019 की एस्टीमेट के हिसाब से 12,500 GB का डेटा एवरी मिनट उस साइट पे अपलोड किया जा रहा है। एंड शॉकिंगली इन्हीं पॉर्न साइट्स पे न्यू विजिटर्स को रिकमेंड किए जाने वाले 8 टाइटल में से एक टाइटल सेक्सुअल वॉयलेंस के बारे में होता है। मतलब अगर वो वेबसाइट ऐसे कंटेंट को रेकमेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका डिमांड मार्केट में होगा। एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू हैव सो मच डिमांड यू आल्सो हैव सो मच सप्लाई। एनीवे नाउ कमिंग बैक टू आवर चंडीगढ़ वाला केस, ये वीडियो का स्क्रिप्ट बनाने के बाद हमें ये पता चला कि इसमें एक और एंगल जुड़ गया है, कनाडा का एंगल। मतलब उसी कॉलेज की एक स्टूडेंट को कनाडा से कुछ इंस्टाग्राम मैसेजेस आए जिसमें क्लियरली बोला गया कि उसे इन वीडियो के सारे अक्यूज्ड को जेल से सेफ्टी रिलीज करवाना है, नहीं तो इसके रिपरकशंस उस पे बहुत बुरे होंगे। नाउ आई विल जस्ट से कि दिस इज जस्ट द स्टार्ट, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा उलझती जा रही है ना। मतलब पंजाब के केस में कनाडा का एंगल कहां से आया,
क्या इसके रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं लग रहे? वेल, एज आई सेड, दिस इज जस्ट द स्टार्ट, एंड जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता जाएगा हमें और इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। बट इस पर मेरा तो बस इतना ही कहना है कि पुलिस को इस केस को थरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि क्लियरली ऐसे केसेस होना इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन हो गया, काफी ज्यादा ईजी भी हो गया। एंड इनफैक्ट टू टेल यू ऑल द ट्रूथ, जब तक हमने इस पर इतना रिसर्च नहीं किया, मुझे भी ये पता नहीं था कि ये सारी चीजें होना इंडिया में इतना कॉमन है। सेक्सटॉर्शन करके पैसे कमाना, MMS बना के ब्लैकमेल करना, ऑनलाइन वीडियोस को अपलोड करके पैसे कमाना, या फिर इवन ओवर द काउंटर सेल करना, ये सारी चीजें इंडिया में इतनी कॉमन है एंड एक सेक्स रैकेट के तौर पे ऑपरेट कर रही है। आई डिडंट रियली हैव एन आइडिया ऑन दिस, एंड वही मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद भी था, बिकॉज आई डोंट थिंक कि बाकी इंडियंस भी इस बारे में अच्छे से जानते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि ये सोशल मैसेज जितना हो सके बाकी लोगों तक फैले, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक कर दो, और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट पर फ्रेंड को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्रेंड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।